कर्नाटक के कोलार जिले के एक आवासीय विद्यालय में अनुसूचित जाति दलित समुदाय के विद्यार्थियों से जबरन सेप्टिक टैंक साफ करवाने का मामला सामने आया है। विद्यार्थियों ने एक वीडियो में बताया कि उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित भी किया जाता है। मालूर तालुका के यलुवा हल्ली में मुरारजी देसाई आवासीय विद्यालय की ये घटना तब सामने आई जब शिक्षक द्वारा कथित तौर पर मोबाइल पर शूट किए गए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। इसके बाद राज्य प्रशासन ने प्रिंसिपल समेत स्कूल के 3 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। निलंबित कर्मचारियों में प्रिंसिपल भरतम्मा, शिक्षक मुनियप्पा अभिषेक और हॉस्टल वार्डन मंजुनाथ हैं। आदेश में केवल 4 नामों का उल्लेख किया गया था। कर्नाटक राज्य के समाज कल्याण मंत्री एससी महादेवप्पा ने रविवार को एक आदेश जारी कर घटना की विस्तृत जांच की बात कही है। सवाल ये भी है कि ये कर्मचारी अगर विद्यार्थियों को साफ सफाई का पाठ पढ़ाना ही चाहते थे तो इसके लिए केवल दलित विद्यार्थियों को ही क्यों चुना गया। ये घटना निश्चित तौर पर उन शिक्षकों की वर्णवादी व्यवस्था वाली मानसिकता को दर्शाती है।